बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बहाड़े की चटनी। उसके लिए जो चीज़ें हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए, उसमें पहले सबसे पहले हमें ना 1.5 कप पानी का चाहिए, ये 1 कप, और 1/2 कप इसमें और डालेंगे हम, ये 1.5 कप पानी का। अब हम इसको पानी को बॉयल आने देंगे। ये पानी से पानी के बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें आलू बहाड़ा डालेंगे। 300 ग्राम हमारे पास आलू बहाड़ा है, वो इसके अंदर डालेंगे। अब इसमें 250 ग्राम हम चीनी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये 20 मिनट हो गए हैं आलू बहाड़े को पकते हुए। ये देखें, आलू बहाड़ा अच्छे से फूल गया है, ये देखें, ये अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें ना एक चुटकी ब्लैक पेपर का डालेंगे। आप इसमें आपकी मर्ज़ी है कि इसमें आप रेड चिली पाउडर भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून जो है ना इसमें सिरके का डालेंगे हम, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, अब हम इन सब को चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आलू बहाड़ा बहुत अच्छे से हमारा तैयार हो गया। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट डालेंगे, ये बादाम डालेंगे हम, ये चारे मग्स डालेंगे, ये 2 चम्मच लिए थे हमने, और ये सौंगी है। ये सारी चीज़ें हम ऐसे डाल देंगे इसके ऊपर। अब हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये चटनी अच्छे से ठंडी हो गई है, ये देखिए इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इंशाल्लाह बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।